1 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती का जो शॉर्ट विज्ञापन है वो तो जारी हो गया, लेकिन अभी विस्तृत विज्ञापन आपको 3 मार्च को देखने को मिलेगा पीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि इसमें कौन आवेदन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या योग्यता होगी और सीटेट 2020 को मान्य किया जाएगा या नहीं, जूनियर में यूपी टेट लगेगा या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जवाब आपको सही और सही जानकारी मिलेगी। ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी। 3 मार्च से 17 मार्च तक होंगे आवेदन। 1894 पदों पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जहां पर यहां 1504 सहायक अध्यापक, 390 यहां पर प्रधानाध्यापक के पद निकाले गए हैं। 3 मार्च से आवेदन है, 17 मार्च तक आवेदन करेंगे, शुल्क 18 मार्च तक, फाइनल प्रिंट 19 मार्च तक आप निकालेंगे। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च को होगा। परीक्षा का प्रवेश पत्र 9 अप्रैल को, लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को, और सुबह 10 बजे यहां पर सहायक और प्रधानाध्यापक दोनों की 10 बजे से जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। द्वितीय प्रश्न पत्र 2 से 3 बजे तक, द्वितीय प्रश्न पत्र केवल प्रधानाध्यापक का रहेगा। उत्तर कुंजी 23 अप्रैल को मिल जाएगी और परिणाम 18 मई को जारी होगा। तो ये पूरा इसका कार्यक्रम है और फुल नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 3 मार्च को देखने को मिल जाएगा। फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। यहाँ पर बीएड जो भी डिग्री धारी हैं वो आवेदन करेंगे, बीटीसी यानी कि डीएलएड जो डिग्री डिप्लोमा धारी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन करेंगे। याद रखें, जूनियर शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक पद के लिए संबंधित विषय के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, वह विषय उनके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जैसे कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ऐसे विषयों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी। कौन कौन से वास्तविक में विषयों पर भर्ती आई है इसके लिए 3 मार्च को आपको पता चलेगा। प्रधानाध्यापक के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो पिछले 5 वर्षों से सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी कर रहे हों, ठीक है। अब यहाँ पर यूपी टेट तो अभी हुआ ही नहीं है, आगे होने वाला जो यूपी टेट है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये आप जान लें। सीटेट 2020 की अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसकी जो परिणाम है वो जारी हो चुका है, इसमें अगर आपने जूनियर क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ पर यह मान्य किया गया है। जी हाँ, ऑफिशियल अपडेट है, सीटेट 2020 जूनियर शिक्षक भर्ती में मान्य है अगर आपने क्वालिफाई किया है। तो ये संबंधित आपके सवालों के जवाब हैं। अन्य कोई सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।